रात के 12 बज गए, आधी रात में तो भूत निकलते हैं। कहीं उसी की आवाज तो नहीं? कितना बड़ा बेडरूम है, जैसे क्रिकेट का मैदान। ऊपर से ये पलंग की आवाज सुनकर दिल धकाधक बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा है। कौन है वहां? क्या चाहिए? मुकेश, मुकेश, तो यहाँ क्या कर रहा तू? एक तो पहले से नींद नहीं आ रही थी, फिर थोड़ी सी आंख लग गई तो पता नहीं कहाँ से चुड़ैल की चीखने की आवाज आने लगी। कहा था यहाँ भूत है, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? बड़े भाई, आपको चुड़ैल की आवाज नहीं आई? नहीं तो फिर मेरी घंटी क्यों बजा रही है? अच्छा, तुम डॉक्टर हो ना? यस। मेरे मन में एक सवाल फुदक रहा है। हाँ, पूछो ना। सच सच बोलना, भूत होते या नहीं? अच्छा ये बताओ, पिशाच होते या नहीं? भूत प्रेत छोड़ो, जिन होते या नहीं, ये बता दो। सास बहू की सीरियल की तरह देख रहे हो, उससे ज्यादा तुम डरावने लगते हो। बताओ भाई, भूत होते या नहीं? अगर है तो कैसे पता चलेगा? तो सुनो, भूत के आने से पहले अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। दूर कोई कुत्ता रोता है, रो रहा है। गली का कुत्ता डॉल्बी साउंड में रो रहा है। ये तो शुरुआत है। और फिर पेड़ों को चीरती हुई तेज हवाओं से खिड़कियां हिलने लगती हैं। टप 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 टप, हिल रही है खिड़कियां, हिल रही है। अब आगे सुनो। सुना? फिर महकने लगते हैं क्या? मोगरे के फूल। और फिर फूल है तो महकेंगे ना। ठीक है ठीक है, हर तरफ खुशबू ही खुशबू आ रही है, मोगरे की खुशबू, मतलब चुड़ैल यही कहीं है। आगे सुनते जाओ, मुझे बीच में टोकना नहीं। नो क्रॉस क्वेश्चन, अगर किया तो ये क्या है, निकाल कर फेंक दूंगा। और फिर उसके बाद ये क्या है? घुंघरू की आवाज। आ रही है, जो तुम कह रहे हो सब हो रहा है। मैंने तुमसे पूछा। उसके बाद अचानक सामने आती है सफेद कपड़ों में एक डरावनी चुड़ैल। दिख रही है चुड़ैल, दिख रही है, सबको मार डालेगी। तू मजाक कर रहा है? मजाक नहीं कर रहा, वो रही चुड़ैल सामने सामने। इज्जत मिट्टी में मिला दी। दादाजी की उड़ती हुई धोती देखकर तुम भूत समझ के डर गए? इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा हुआ? मैं डर गया? हाँ, ऐसा क्या? मैं और मुकेश एक ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? अब बता भी दो। दुर्गा। दुर्गा नहीं, काली हो। क्या कहा? अच्छा नाम है। शुक्रिया। मोगरे की खुशबू यहाँ से आ रही थी, बेकार ही डर गया। कहाँ गया वो चपड़गंजू? थू! खूबसूरत लड़की के सामने इज्जत उतार कर रख दी। दिल तो चाहता है इस पे पैर रख के इसे पाताल में पहुंचा दूं। चुप रहो, बंद करो, बंद करो, शट अप। क्या हुआ? ए, ये क्या तमाशा है? गला फाड़ने के लिए और कोई जगह नहीं मिली क्या? सुबह सुबह इन मुर्गों से बांग लगवा के नींद का सत्यानाश कर दिया। इस शोर में भला कोई सोए तो कैसे सोए? वैसे ही कल रात तुमने घुंघरू की आवाज और चुड़ैलों वाली हंसी से सबकी नींद उड़ा दी थी, और सुबह सुबह जब आंख लगी तो इन कौओं के साथ कोरस में कांका करके उसकी भी बैंड बजा दी। अब समझा कि क्यों गांव वालों ने तुम्हें यहाँ इस हवेली में अकेला छोड़ दिया है। ए, ये गाना बजाना सीख कर कुछ नहीं होगा। चलो उठो, बैठे क्या हो, जाओ खेलो कूदो, जाओ तुम्हारी छुट्टी, मजे करो। मेरी बात सुनो काली। दुर्गा। ओके, आज के बाद इन बच्चों को संगीत सिखाना है तो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं भी चली जाना, पर यहाँ शोर नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त ने करोड़ों रुपए देकर इस हवेली को खरीदा है, इसलिए नहीं कि हर दिन तुम अपनी ड्रामेबाजी से हमें परेशान करो। नो 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 नो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अगर आज के बाद तुमने ये गलती दोहराई
तो तुम्हें और तुम्हारे इस बेसुरे बाजे को यहाँ से उठाकर बाहर फिकवा दूंगा। बस बहुत हुआ, देखती हूँ आप कैसे रोकते हो। मेरी क्लास तो यहीं चलेगी, म्यूजिक क्लास नहीं तो मैं भी यहाँ नहीं। ओके, अगर तुम खुद ही यहाँ से जाना चाहती हो तो शौक से जा सकती हो। अगर यहाँ रहने के लिए मुझे संगीत छोड़ना पड़े तो बेहतर है कि मैं ये खंडहर ही छोड़ दूँ। मालिक, इसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बिन माँ बाप की बच्ची है, दुनिया में इसका मेरे सिवा कोई भी नहीं है। आप यही चाहते हैं ना कि दोबारा यहाँ शोर शराबा ना हो, इसकी तरफ से मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद शोर नहीं होगा। थैंक यू। गंगा, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह खतरे से खाली नहीं है। ऊपर से कैसी कैसी आवाजें आती है तुम्हें पता है ना? मेरी बात मानो बेटा, बड़े बुजुर्गों की बात मानने में ही भलाई है। आओ मेरे साथ। कौन हो तुम? प्रिया, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए टहलने चली आई। प्यार का भूत? हाँ? किसी के प्यार में होना? आपको किसने बताया? और किसने, तुम ही ने तो बताया, तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। उस दिन जब तुम्हारे पिताजी ने कहा कि बाहर आओ और अपने मंगेतर से मिलो, तब तुम्हारे चेहरे पर उस बात की कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। मैं तो उसी दिन समझ गया था कि तुम किसी के प्यार में हो। अब बताओ कौन है वो? विश्वनाथ, डांस प्रोफेसर, और वो उस घर में रहते हैं। ओह विश्वनाथ, गुड सिलेक्शन। क्या आप उनसे मिल चुके हैं? यस, अच्छी तरह जानता हूँ, और ये भी कि तुम ही ने उसे उस घर में ठहराया है। उसे बताया कि उससे प्यार करती हो? बताया। तो उसने क्या कहा? कहा कि पापा से बात करेंगे। पापा को नहीं बताया? डर लगता है। डरोगी तो प्यार कैसे करोगी? पापा का नाम क्या है? नंदूराम। नंदूराम जी, ओ नंदूराम जी, क्या कर रहे हो? हो गए क्या नंदूराम जी? आपकी बेटी की नींद उड़ गई और आप सो रहे हैं? ओ मुच्छर, इसी वक्त नीचे आओ। हे भगवान, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं हवा खा रही थी। हवा खा रही थी? चल भाग यहाँ से। बढ़िया ही हवा खाने वाली। मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे थे? मिलन की बात। मिलन? प्यार की? प्यार? शादी की? शादी? सुनो, अब सर पानी से ऊपर जा रहे हैं, इस डॉक्टर को यहाँ से भगाना ही होगा, समझ गए? हाँ। मैं तो पहले से कह रहा हूँ, इस इंसान को जंगल में छोड़ के आते हैं। हाँ, शुक्र है इसने मेरी बीवी को निशाना नहीं बनाया। हाँ। कंवारों की सिर्फ एक ही परेशानी होती है। कौन सी? पर शादीशुदा मर्दों की हजार परेशानियाँ। हाँ। पर तुम जरा हटके हो, क्योंकि तुम खुद एक परेशानी हो। लग गया निशाना। हरी साड़ी पे लाल लाल फूल पोपट समझ रखा है क्या? है? क्या बात है दादाजी, बच्चे तो अब तक आ जाते थे। 9 बज चुके हैं लेकिन अभी तक नहीं है, क्या बात है दादाजी? वो बच्चे आज नहीं आएंगे बेटी। हाँ, पर क्यों? अरे देखो भूमि आ गई। बाकी बच्चे कहाँ हैं? अब तक क्यों नहीं आए? वो कल जो अंकल आपको सवेरे डांट रहे थे ना, उन्होंने हमको पैसे दिए और कहा हमारे क्लास की आज छुट्टी है तो जाकर सिनेमा देखो और जो पैसे बचे हैं उससे चॉकलेट खा लेना। शंकर बाबू के यहाँ से जाने तक तुम संगीत की क्लास लेना बंद कर दो बेटा। दुर्गा, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काते हो? अरे वो बच्चे तो अभी मासूम हैं। तुम्हारे 2 पैसों के लालच की वजह से वो आज नहीं आए। लेकिन याद रखना, उन्हें पैसे देकर फिल्म देखने तो आप भेज सकते हैं, लेकिन क्या उन्हीं पैसों से आप संगीत को भी खरीद सकते हैं? खरीद लिया है। ये हारमोनियम तो मेरा है। मैंने ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिए हैं एक्सेप्ट दिस डब्बा, क्योंकि तुम्हारे परम पूज्य दादाजी ने मुझे यह डब्बा मुफ्त में दिया। संगीत साक्षात सरस्वती है, और तुम जैसे घमंडी लोग ये कभी नहीं सीख सकते। जिसे इसकी कद्र नहीं
उन्हें इसके बारे में बुरा भला बोलने का कोई हक नहीं। इस जन्म में क्या, अगर 100 जन्म भी तुम ले लोगे तो भी तुम इस विद्या को नहीं सीख सकते। मेरी बात सुनो काली। दुर्गा! दुर्गा, इतनी बद्दुआएं देने की जरूरत नहीं, वो भी इस 2% के बाजे के लिए। मुझे ये नहीं चाहिए, लो ले जाओ इसे। इस हारमोनियम को तुमने छुआ है ना, अब मैं इसे कभी नहीं छूंगी। शंकर बाबू, आपने तो जिसे नाचना नहीं आता उसे भी नचा दिया। इनका स्टाइल तो कमाल का है। तो क्या राय है मेरे दोस्त के बारे में? ये सिर्फ डांस ही नहीं, संगीत के साथ सुरों को भी जानता है। महारत हासिल की है इसने। अगर ये चाहे तो गाकर किसी को भी नचा सकता है। संगीत का उस्ताद है ये। क्या हाँ हाँ कर रही हो? जाओ अंदर, जाओ, दफा हो जाओ। अब तो क्या इसे घूर घूर के देख रही है? कितना अच्छा गाते, कितना अच्छा गाते। चल चल होमवर्क कर, चल। अरे मैंने आपको कितना गलत समझा। एक कलाकार को अहंकार नहीं करना चाहिए, ये बात मैं भूल गई थी। आपने आज मेरी आंखें खोल दी हैं, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या, शंकर वापस जाने वाला है? शंकर, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुम्हारे लिए एक मेल आया है। कोई खुशखबर? खुशखबर तो तुम्हारे लिए। क्यों, क्या हुआ? अमेरिका में तुम्हारा कोई पेशेंट सीरियस है। मैसेज में तुम्हें तुरंत आने को कहा है। अच्छा, वो टिकट? और नहीं तो क्या, बचपन से तू मेरे साथ रहा है, तब कुछ नहीं छिपाया, अब तो छिपाना भी सीख गया है। सुमित, डॉक्टर मरीज का इंतजार कर सकता है और मरीज डॉक्टर का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे जाना। और यहां पर फिक्र मत करो, कोई प्रॉब्लम हो तो सिर्फ एक कॉल, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा तो मैं चलता हूं। क्या कह रहे हो, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर जय हो। चलो आखिर बला टली। 1 महीने के लिए आया था, 6 दिन में ही जा रहा है। वाह 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 वाह, दरवाजा उधर है। समझ गया, आपको खुशी हो रही है ना कि मैं यहाँ 1 महीने के लिए आया था और 6 दिन में ही जा रहा हूँ। लेकिन मैंने पूरे 6 महीने का काम तमाम कर दिया है। तमाम कर दिया, वो भी सिर्फ 6 दिन में। ये क्या किया तूने? प्रिया, अरे उस दिन रात को हमारे बीच जो हुआ तुमने पापा को बताया नहीं क्या? कौन सी बात है? डॉक्टर जी, आप अपना चश्मा मेरे कमरे में भूल गए। तुम जरा पीछे हटो, पहले मुझे प्रिया के प्यार के बारे में बात करने दो। बेशरम, मेरी बेटी से मोहब्बत का ऐलान मेरे मुंह पे ही कर रहा है तू। अरे आपकी बेटी है, आपसे बात नहीं करूंगा तो क्या BBC, CNN, ABC, NBC, आज तक इन सब न्यूज़पेपर वालों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करूं? ये लुच्चा है, लफंगा है, लुटेरा है, ये जानते हुए भी तूने इससे प्यार कर? अरे अरे अरे, आप तो खामखा टेंशन ले रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि वो प्यार में है, ये तो नहीं कहा कि मेरे प्यार में है। प्रिया को प्यार हो गया है डांस प्रोफेसर विश्वनाथ से। अच्छा, विश्वनाथ है? जी हाँ, विश्वनाथ बहुत अच्छा लड़का है, आपकी बेटी की जोड़ी उसके साथ खूब जमेगी। उस रात प्रिया के साथ बात हुई तब मुझे इस बात का पता चला। अगले ही दिन मैंने विश्वनाथ से भी इस बारे में बात की। उसने कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो वो आपकी बेटी प्रिया से शादी करने के लिए राजी है। अब ज्यादा मत सोचिए वरना एक अच्छा रिश्ता बेवजह ही हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद सर के बल चलकर ढूंढोगे तो भी ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। शादी तय होते ही मुझे भी कार्ड जरूर भेजना, और अगर दूसरी बेटी का रिश्ता भी। नहीं नहीं नहीं, अभी तक उसकी कोई जरूरत नहीं है। सच बोल रहे हो? कुछ बोल रहा हूँ, अपनी बिल्ली को छाते से ढक देता हूँ। क्यों लग रहा है कि कुछ भूल रहा हूँ? अरे हाँ सुमन, लगी रहे।
अजीब घोंचू है, जाते जाते भी हाथ साफ करना चाहता है। शर्ट तो देखो कैसी पहनी है, उल्टी शर्ट उल्टा दिमाग, सोच के उल्टी आ रही है। तुम्हारे पापा ने दी है क्या? हा? मेरी शर्ट मेरे लिए, मैंने खरीदी है मेरे पैसे से। अब मेरी शर्ट मैं सीधी पहनूं या उल्टी पहनूं, उससे तुम्हें क्या? दांत तोड़ दूंगा। चंपा कली, मोटी कमर चिकना बदन मेरी पहलवान है, इसको देखते ही सीधे मुर्ग मुसल्लम की याद आ जाती है। आहा चख लूं। अब ये टू मच हो रहा है। क्या क्या टू मच हो रहा है? क्या हुआ? टू मच? क्या बात कर रहे हैं? एक टांग पे तो खड़ा नहीं हो सकता और वो ओलंपिक में दौड़ने के बारे में सोच रहा है। शंकर, शंकर। गंगा, तुमसे मिलना तो भूल ही गया। एक महीना रुकने वाले थे और 6 दिन में जा रहे हो, बोलते हो कुछ करते हो कुछ। अरे मरीज को बीमारी कहकर आती है क्या? और ये सब क्या? तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता रखा है। इतना सारा? हाँ, पूरा खा जाना। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे अच्छी दवाई कौन सी है? कौन सी? खाना हिसाब से खाया जाए तो दवाई, वरना बन जाता है जहर, समझी? काली, दुर्गा। यस मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोगों के साथ हंसी मजाक बहुत करता हूँ, ऐसा ही हूँ मैं। तुम्हारे साथ भी मजाक ही किया था, पर अनजाने में अगर तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उन कड़वी बातों को तुम दिल से निकाल देना, बस मुझे मत निकालना। अच्छा तो मैं चलूं? सॉरी चलता हूँ। हाँ बाय।